फूड कोर्ट के अंदर गए, पूरी भीड़ थी और वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन बाहर आपको खाने के लिए इस तरह सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सब बाहर खा रहे थे। अच्छा हुआ ओवर द लिमिट पुश नहीं किया, वरना तो इतना भी चलना नसीब नहीं होता। आपको तो पता है रेस्ट करते लेग वर्कआउट करते कितना ज्यादा पेन होता है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी तो शुरुआत है, जैसे खाना जाएगा तब और पेन बढ़ेगा। और ये मेरा इसके पहले वाला ब्लॉग जो है रेंडर हो चुका है और ये मेरी कॉफी भी रेडी है। अभी हैप्पी भाई को कॉल करेंगे, हैप्पी भाई ने बोला कॉल करो, बात करनी है। क्या बोल रहे भाई, कैमरे में हो? क्या भाई, पार्टी वार्टी चल रही है? हाँ भाई, बर्थडे किरण चल भाई तो मैं ये डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि देखो सोरन बाजी ने तो टोपी दे दी मेरे को, उनको वीजा नहीं मिल रहा है, तो आप कभी आ रहे हो? इनके पास तो वीजा है भाई, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, ऑफिशियल डेट नहीं बोल रहा लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आपको मैसेज कर दिया। भाई जल्दी करो, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। पर्सनल बात बात कर, गाड़ी को धक्का मारने के लिए बुला रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई, बाय हैप्पी भाई, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी होपफुली। चलो बाय बाय। वेयरिंग द ट्रैक सूट जो कि मुझे कल एज अ गिफ्ट मिला है, परफेक्टली फिट हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है। सीरियसली आई एम स्टिल शॉक्ड कि मुझे स्मॉल साइज यहाँ पर कैसा आ रहा है। वो छोड़ दो, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पर मैगी जो है अच्छा नहीं बनती है, पता नहीं पानी की वजह से, लेकिन शैनिस ने जो मैगी बनाई, शैनिस बोल रही है एकदम घर जैसी, एकदम वेरी नाइस, बट मैं नहीं खा रहा बिकॉज मेरा थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो मैं दो घंटे बाद ही खा सकता हूँ जो भी। दिनों पहले मैंने आपको बोला था यहाँ पर थैंक्स गिविंग बहुत पॉपुलर है, थैंक्स गिविंग के हॉलीडेज और थैंक्स गिविंग सेल, तो आईफोन मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक हम ले भी पाएंगे कुछ हफ्तों तक बिकॉज हम लोग को एक्सचेंज करके लेना है, लेकिन कुछ कुछ बेबी शॉपिंग हो सकती है। फैनिस ने अभी तक, मैंने अभी तक इतने कपड़े लिए नहीं, जाने के पहले हम लोग को स्टॉक करना है, वो सब करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं कौन सा मॉल? टोरंटो प्रीमियम आउटलेट मॉल, वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि 45 किलोमीटर दूर और ऑलमोस्ट नागर के रास्ते में है ना, नागर के रास्ते में जा रहे हैं मस्त ट्रेन पे। हेलोविन का भी ऑलरेडी 20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन लोगों ने घर के बाहर ऑलरेडी वो डेकोरेशन करना, स्पूकी वाला डेकोरेशन शुरू कर दिया। अपने कैसा दिवाली के 15-20 दिन पहले अपन शुरू करते हैं, तो यहाँ पर भी वैसा है, अच्छा लग रहा है। मैंने तो बहुत तारीफें सुनी है हेलोविन की, मतलब लोग सड़क पे आते हैं फुल गेटअप वेटअप करके। अपने कैसा मुंबई में, मोस्टली मेट्रोपोलिटन सिटी में होता है, पार्टी वार्टी करने के लिए लोग आते हैं, वो देखना पड़ेगा। अपने घर में आएंगे क्या? हम लोग भी चॉकलेट खरीद के रखेंगे, ड्राइविंग करना सिखा सकता हूँ, आई एम सो गुड एट इट। बहुत लोग मेरा मजा उड़ाते हैं, निखिल लेजेंडरी ड्राइव, निखिल इज प्रो, आई एम बिकम अ प्रो हियर। ट्रक का साइज देख इधर, लोग ऐसे सब एवरेज गाड़ी चलाते हैं यहाँ, मतलब ये गाड़ी लोगों के लिए फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी फोर्ड के बड़े बड़े ट्रक्स दिखा नहीं सकते, बंदा भारत मुक कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारा बैंफ जाने का प्लान था, रोड ट्रिप करने का 3-4 दिन का, लेकिन काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि फ्लाइट से जाओ। अभी डॉक्टर का फिट सर्टिफिकेट लेंगे हम लोग, जरूरत है नहीं है मुझे नहीं पता, बट स्टिल हम जाके पूछ लेंगे। और 3 घंटे की फ्लाइट है, अब 3 दिन का रोड ट्रिप करने से अच्छा हम 3 दिन की फ्लाइट है। लेकिन यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, जो अभी ट्रक बड़ा ट्रक गया, इन लोग अपनी जो मोटरसाइकिल है उस पर लोड कर देते हैं, एंड दे डू अ 3-4 रोड ट्रिप, एंड देन पार्क देयर व्हीकल, जहाँ पर फ्री पार्किंग है, और लोग बाइक लेके पूरा जो वो वाला मतलब उससे आगे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास इतना बड़ा ट्रक रहता और मैं बाइक लोड कर पाता, तो मैं मुंबई चंडीगढ़ जाता, चंडीगढ़ में गाड़ी खड़ी कर देता और चंडीगढ़ से मैं पूरा ले जो है या फिर सिलीगुड़ी जाके पूरा जो है सिक्किम विक्किम एक्सप्लोर करता। Look at that truck, it's so मस्त ना, ओंटारियो GMC का ट्रक है भाई, इसमें तेरा और शोभित का बाइक फिट हो जाएगा। एक चीज नोटिस की जिसमें बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पर यार लंबा चलते रहो दूर जाना है तो बोर हो जाता है, यू हैव टू स्टॉप एवरी 100 किलोमीटर, तो हम लोग क्यों क्या बोलते हैं, थक जाते हैं करके 100 किलोमीटर में रुकते हैं इंडिया में, राइट। यहाँ पर लोग बोर हो जाते हैं, नींद आती है, लेकिन मेरे से ड्राइवर को जो घंटों घंटों ऐसे पकड़ के बैठ सकता है और बात कर सकता है, कुछ ना कुछ अपनी दुनिया में मगन हो जाता है, तो मेरे लिए ये सब ड्राइविंग परफेक्ट है। तो मैं जाने सोच रहे थे कभी हम लोग को बहुत लंबा जाना है, ठीक ठाक गाड़ी हो, वी कैन क्लॉक सो मेनी किलोमीटर्स, लाइक वी कैन लीव इन द मॉर्निंग फॉर मॉन्ट्रियल and we can come back by late evening also, we can do that. I remember वो अंदर देख के याद आया मेरे को, बचाने के चक्कर में 100 डॉलर का या 2 सूटकेस मिला था,
गंदा सेल पे, हाँ। एकदम गंदा, ठीक है हम घर तो पहुंच गए थे उस। तो ये ना मॉल पहुंच गए और सेम वही प्रॉब्लम हो रहा है संडे को जहाँ पर हर जगह होता है मॉल में, 100% ऑफ चल रहा है मॉल में, मतलब क्योंकि थैंक्स गिविंग में लोग पैसा बचाते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। सोचो तो पार्किंग नहीं मिल रही है, बहुत सारी हम गाड़ियाँ भटक रहे कहाँ जाए कैसे जाए, एक पार्किंग का स्लॉट मिल जाए डाल देंगे। वैसे तो प्रेगनेंसी का फायदा उठा के वो प्रेगनेंट वाली पार्किंग में डाल सकता हूँ, बट नहीं वो स्टिकर नहीं है ना, फाइन लग जाएगा उसके लिए, स्टिकर भी लगाना पड़ता है। कोई नहीं, थोड़ा भटकेंगे मिल जाएगा वहाँ, मुझे दिख रहा है एक्चुअली गलती की अपन है ना, वो रस्ते पे तो अपना अंदर आ गए, उनको पार्किंग मिल गई है। मतलब मैंने क्या टेक्निक आजमाया अपना देसी फंडा, तो दो तीन लोग शॉपिंग बैग लेके जा रहे थे ना, चल उनके पीछे चल, तो उनके पीछे पीछे गाड़ी लेके आया और जैसी उनकी गाड़ी दिखी मैंने उनकी गाड़ी के बीच में हेडलाइट आके खड़ा हो गया और मेरे को पार्किंग मिल गई एकदम मॉल के सामने। अभी क्या है कि दो साल में इंटरनेट बूम हुआ है तो बहुत सारे लोग कैमरा यूज करते हैं, तो मॉल में आजकल कैमरा यूज करना रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो कैमरा गाड़ी में रख के जाता हूँ और फोन से व्लॉग करते हैं। चलो तो गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी है और वो रहा मॉल। वैसा लगा मैकडॉनल्ड्स में लाइन लगाते ना जब पूरा फूड कोर्ट फुल रहता है तो। अरे लेकिन शहर ने सोच अगर बाहर पार्किंग नहीं मिली तो अंदर लोग कितने रहेंगे, कुछ में कुछ सामान मिलेगा भी नहीं मिलेगा। मैंने काफी सारे लोगों को व्हीलचेयर पार्किंग में गाड़ी खड़े करते हुए देखा, इवन दो दे आर नॉट व्हीलचेयर, और बहुत सारे लोग कर रहे थे शायद तुम्हारा तू भी करते, मतलब मैं नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ व्हीलचेयर पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी की अपने व्हीलचेयर नहीं हो तो फाइन बहुत बड़ा है। ये देखो सबसे बड़ा पटेल तो ये व्हीलचेयर पार्किंग में कॉर्बेट ही खड़ी कर दी, तो सच में व्हीलचेयर रहेगा या तो पटेल रहेगा वहाँ बड़ा यहाँ का, अलग मैं खड़ी करता बाड़ में गया। अभी सोचो कि गुची के आउटलेट के बाहर इतनी बड़ी लाइन है तो कितना डिस्काउंट में मिल रहा रहेगा गुची। गुची नहीं बट हर एक आउटलेट के बाहर बहुत सारी लाइन है, आई डोंट थिंक हम लोग आज अंदर किधर भी घुस पाएंगे, ट्राई करेंगे। तो हमने एक को पूछा व्हाट्स द डील, इतना बड़ी लाइन क्यों है, तो बंदा बोलता है कि ज्यादा लोग स्टोर में अलाउड नहीं है बिकॉज वरना भर जाएगा स्टोर, तो जो लोग को लेना है वही लोग लाइन लगा रहे हैं जाके ले रहे हैं। अगर आपको एक्सप्लोर करना है वो भी कर सकते हो लेकिन आपको लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि इतना भयंकर 90% 70% ऑफ चल रहा है। भाई बहुत अच्छी चीज़ की कैमरा रख दिया, कैमरा लेके घूमता ना तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता, बट इट्स हाउसफुल मैन। चाइनीज का मूड थोड़ा खराब हो गया बिकॉज पीछे भी मेरे कोच का लाइन है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, बट जाएंगे आप कर, काम क्या है कुछ खाते हैं, हल्का सा खा के नहीं है हम लोग, प्रॉब्ली विल हैव अ काठी रोल। सो वॉट विल हैव काठी रोल, आई विल स्टैंड इन द लाइन फॉर यू, देन यू कैन रोम अराउंड, इसी लाइन आएगी मैं तो बोल दूंगा। फूड कोर्ट के अंदर गए, पूरी भीड़ थी और वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन बाहर आपको खाने के लिए इस तरह सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सब बाहर खा रहे हैं। तो लाइन में लग के हम लोग आ गए हैं और शायद शॉपिंग कर रही है, तरह डिस्काउंट है यार, $300 की चीज $100 के अंदर मिल रही है। तो हैप्पी बैग के पास एक कोच का बैग है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यहाँ पर एक ऐसा सिमिलर मिल रहा है लेकिन $300 का है। आई डोंट थिंक फॉर अ बैग आई विल स्पेंड $400, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूंगा, नहीं नहीं ये सब आई एम हैप्पी विद माई व्हाटएवर। तो जिस बैग की मैं बात कर रहा था हैप्पी बैग का, वो उससे बेटर बैग मुझे मिल गया और खतरनाक डिस्काउंटेड प्राइस में। देखो मैं वैसे मैं ये सब चीज़ों में पैसा डालता नहीं बट चाइनीज ने मुझे चीज़ समझाई कि कभी कभी ये सब चीज़ रखनी पड़ती है बिकॉज ये सब बैग 10 साल के लिए चलते हैं। ये जो मेरा बैग है ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था और ये मैं किधर भी गुड़ी पुड़ी कर रख देता हूँ, लेकिन सम टाइम व्हेन यू ट्रैवल व्हेन यू वॉक यू नो यू नीड अ गुड बैग, और मैं ऐसी चीज़ों में चीज़ें सालों साल तक चलाता हूँ और इसलिए मैंने ले लिया। जूते भी देखो मेरे कब से चल रहे हैं, मेरे पास और दो जूते लाया हूँ बट वो पहन नहीं रहा, इसके लिए मैंने बोला ये बैग लेता हूँ और सालों साल तक आपको ये बैग देगा। ऑल द न्यू कलेक्शन, मतलब मैं डिस्काउंट बोलूँगा 70% डिस्काउंट। तब महंगा स्टोर छोड़ के थोड़ा अफोर्डेबल स्टोर में आए तो अभी विंटर आने वाला है, तो कोई विंटर बूट बेसिकली गम बूट है या फैंसी फैंसी कलर के मिलते हैं, कितना कंफर्टेबल रहता है अंदर यार, ये सब तो क्लियर ही हो गया मैं देख रहा था, इट्स नाइस, ओह दिस इज नाइस यार, बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ का नोट ले लो फॉर ऑल द बॉयज गर्ल्स ऑल्सो कि शॉपिंग के एक दिन पहले प्लीज जिम लेग वर्कआउट मत करना वरना उठने बैठने के वांदे हो जाएंगे। अभिशान इज चीयर्स, चीयर्स फॉर अ गुड लाइफ गुड शॉपिंग। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की कोच के बाद, बहुत सारे शॉप्स पे गए लेकिन कुछ भी अच्छा लगा नहीं, तो जो पहले लिया वही लिया है ना, फालतू में पैसे नहीं खर्च करने। तो लिटरली लगा शाइनेस खो गई, एक सब्सक्राइबर मिला उसके बाद फोटो निकाला क्वालिटी का देखा तो शाइनेस गायब, मतलब कहाँ है ये देखो यार शाइनेस थोड़ा नजरों के सामने रहे यार, तो किधर भाग गई यार, लोकल फोन भी नहीं दे रहे बस। और जब सब हो गया तो ये देखो चेहरे पे स्माइल, देखो पॉपकॉर्न देख के क्या क्या चीज़ का इसको क्रेविंग होता है भाई, यही जाने यार। हे भगवान, चलने को सिर्फ 3 किलोमीटर चला लेकिन ये शॉपिंग में लगता ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, बट मज़ा आ गया। अभी भी पार्किंग नहीं है बोलो, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है फिर भी पार्किंग नहीं है, और भी गाड़ियाँ आ रही है जबकि 45 मिनट में मॉल बंद हो जाएगा, बट कोई नहीं, शानिश जो है गाड़ी के अंदर बैठ गई है और ये देखो मस्त अपना पॉपकॉर्न दबा रही है, कैसा है? बहुत यम्मी। ये वाला दूध हम लोग जब से आए तब से ढूंढ रहे थे, आज पेट्रोल पंप पे मिला, पेट्रोल भराने के हमारे आजू बाजू जो घर के रहते हैं आज सबकी गाड़ियां जो है वो 80% नहीं है, सब बाहर गए। एक्चुअली मुझे लगता है सब जल्दी सोते नहीं है लोग, क्या घर के अंदर लोग की पार्टी शुरू हो जाती है 10 बजे के बाद, बाहर निकलता ही नहीं कोई। अभी देखो यहाँ पर बच्चे लोग फुल खेल रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग आए थे तो पूरे बच्चे लोग बास्केटबॉल रात को खेल रहे थे क्योंकि मौसम फुल ठंडा हो गया बारिश के बाद।
तो ये वाला जो बैग है ये मैंने लिया, एक्चुअली शाने से मेरे लिए पसंद किया है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा नहीं एक्चुअली, वो मुझे हैप्पी बाइक का वही पसंद आया था, बट देन आई ट्राइड दिस आई रियली लव दिस। सो अभी थोड़ा अलग सेटिंग में कैसा लग रहा है, थोड़ा लूज करेंगे तो ऑफकोर्स अभी तो भरेंगे तो उसको और डिफरेंस आएगा इसमें। ये पहन के मैं स्कूटर नहीं चलाऊंगा, एक्सेस नहीं चलाऊंगा, ये सिर्फ गाड़ी के लिए और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए। स्कूटर में अपना ठीक कहते हैं उनका बैग जिंदाबाद, बिकॉज़ वाटर महंगा बैग यूज करेगा तू क्या ये स्कूटर में, स्कूटर में सब बोलेंगे फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी नहीं है, मैं बोलूंगा व्लॉग देखो मेरा ओरिजिनल लिया है मैंने, सब ओरिजिनल लेता हूँ मैं, कुछ चीज फर्स्ट कॉपी ले लेता हूँ ठीक है। वैसे तो मैंने कसम खाया था कि अभी BMW बाइक के लिए कुछ लूंगा नहीं, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं है, और वैसे भी अभी टूरटेक जाने वाला था तो एक दो चीज एक्स्ट्रा मिल गई तो ले लूंगा, लेकिन आई जस्ट रियलाइज्ड दैट AliExpress वर्क्स इन कैनेडा, तो कुछ ना कुछ तो मंगाना बनता है, तो एक दो चीज़ मैंने मंगाई है स्पेशली मेरे Audi Q7 के लिए, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, AliExpress की बात नहीं इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थी, यहाँ पर अलग है वो मंगाया, और Amazon भी यहाँ का अलग है जो कि मैं भूल गया था, बट यहाँ पर वो सेल नहीं चालू है, बट कोई नहीं अपन मंगा रहे कुछ अच्छा मिल जाएगा तो अच्छी बात है। व्हाट इज इट इज गाइस, ये ब्लॉग शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं, यहाँ खत्म करते हैं, यहाँ पर रात होती है तो इंडिया में सुबह होती है, जैसे ब्लॉग रिलीज होता है तो मम्मी को फोन करता हूँ, मम्मी से एक घंटा बातें करता हूँ, तो बहुत लोग मिस कर रहे हैं मम्मी को, तो वो भी एक दो कॉन्वर्सेशन हैप्पी कॉन्वर्सेशन कैसे बताया, वैसे मम्मी का भी कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन यहाँ देखा है तो लाइक का बटन दबा दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वैसे भी वीडियो अभी फैल नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिलीज होती है, तो कोशिश करो कि कमेंट करके जाओ। विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आवर लवली फ्रेंड्स, एडियोस अमिगो, शफक है, शानिस कैमरे के पीछे बोलते हैं, बाय, टेक केयर।